हाय आल्सो दिस रिव्यू ऑफ बुक योर बेस्ट एज टुडे बाय अनुपम खेर अनुपम खेर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बुक भी काफ़ी प्लेटफॉर्म पे प्रमोट हुई इवन के बी सी में भी अनुपम सराए थे इस बुक को प्रमोट करने के लिए ये बुक में है क्या लॉकडाउन के टाइम पर उन्होंने बुक लिखी थी जब वो जब शूटिंग्स वगैरह कुछ नहीं चल रहा था यह बुक उन्होंने कम्प्लीट की कुछ दिनों पहले और वो रिलीज़ हुई इस बुक में कोविड नाइन्टीन में हमारी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है पैंडमिक लॉकडाउन क्वारंटीन ये सब शब्दों का भर के यूज़ किया गया पूरी बुक उस बारे में एट्टी परसेंट है कुछ कुछ अलग चीज़ें भी हैं इसमें बट मोस्टली ये बुक पेंडेमिक के दौरान जो हमारी लाइफ स्टाइल चेंजेस थे उनके बारे में बात करती है उनकी फ़ैमिली में उनकी मॉम को हुआ था उनके भाई को हुआ था उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से बताती है बट हम वो सब फीलिंग्स वो सब डर एनजाइटी सब फील कर चुके हैं और अभी जब सब कुछ थोड़ा सा बेटर हो रहा है तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ रिविज़िट नहीं करना चाहता हूँ हाँ पंद्रह बीस साल बाद ये बुक मैं पढ़ूँगा तो डेफिनेटली मुझे लगेगा कि हाँ उस टाइम पे वैसा कुछ हुआ था या 25 साल बाद 30 साल बाद किसी को दूंगा जो पैदा भी नहीं हुआ था और फिर वो बुक पढ़ेगा कि हाँ ऐसा कुछ फेज हुआ था ये इश्यूज थे बट अभी ये बुक मैं पढ़ के मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आया और तीन चार सौ रुपए की बुक है तो डेफिनेटली आप वो पैसा वाइजली किसी अच्छी बुक में भी खर्च कर सकते हैं बट हाँ अनुपम केरसर के आप फैन हैं उनकी राइटिंग स्टाइल आपको पसंद है और तो डेफिनेटली ये बुक पढ़ी वो एक्सपीरियंस उनका काफ़ी उन्होंने लिखा हुआ है इसमें बट uh, बस ये कोविड नाइन्टीन पे ही मेनली फोकस करती है उसके से उस पेंडेमिक के दौरान हम क्या सीख सकते थे क्या सीख सकते हैं और उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते थे वो बताती है जो पढ़ने का मेरे सब सही टाइम नहीं है सो so, आप डिसाइड कीजिए आप कोई बुक लेनी है या नहीं लेनी है थैंक यू